hi friends in this video we will prove the necessary and sufficient condition for a non empty subset s of a ring that is ring r to be a subring of r r first that is if ab belongs to s implies that a minus b should belong to s सेकेंड दी बिलोंग्स टू एस एम्प्लाइज ए डॉट बी दंडर मल्टीप्लीकेशन बिलोंग्स टू एस ठीक है सो इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे दैट इज कि हमको नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन प्रूव करना होगा एक सबसेट है एस ऑफ रिंग आर का जो कि सब रिंग ऑफ आर तब होगा अगर ए बी अगर एस में बिलोंग करता है तो ए माइनस बी भी एस में बिलोंग करे और अगर ए बी बिलोंग करता है एस में तो ए ऑपरेशन दैट इज यहाँ का जो ऑपरेशन है वो है अंडर मल्टीप्लीकेशन दैट इज ए डॉट बी वो भी बिलोंग करे एस में ठीक है सो कैसे प्रूव करेंगे सबसे पहले हम लोग नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम मानेंगे कि जो एस है दैट इज जो सबसेट एस है वो एक रिंग है ठीक है उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि उसमें ये जो दो कंडीशन प्रूव करने दिया गया है वो उसमें एक्जिस्ट करता है दैट इज कि अगर सब रिंग है तो ये दोनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो रहा है ठीक है और सफिशियंट कंडीशन में क्या प्रूव करेंगे कि ये दोनों कंडीशन को अगर हम ट्रू मान रहे हैं तो हमारा जो सबसेट एस है वो एक सब आर प्रूव हो रहा है ठीक है सो सो स्टार्ट लेट अस सपोज आर बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन बी आर रिंग एंड एस बी आर नॉन एम्पिटी सेट ऑफ आर ठीक है जो एस है वो आर का नॉन एम्पिटी सबसेट है ठीक है उसके बाद हमको प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट चाहिए थे तो हम लेट किए ए बी बिलोंग्स टू एस बी द आर्बिट्री एलिमेंट ठीक है कोई भी दो एलिमेंट को हम पकड़े ए बी ठीक है सो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या बोल रहे थे कि हम सबसे पहले मानेंगे दैट इज अस सपोज एस जो कि हमारा सबसेट ऑफ आर था वो एक सब रिंग ऑफ आर है ठीक है सो बाय डेफिनेशन सबरिंग का डेफिनेशन हम क्या जानते हैं कि वो अगर सबरिंग है तो एस जो है वो एक रिंग इट है ठीक है सो अगर रिंग है तो अंडर एडिशन वाला ऑपरेशन से वो एक एबिलियन ग्रुप भी है ठीक है नाउ अगर ए बी एस में बिलोंग करता है सो बाय क्लोजर लॉ ए प्लस बी भी एस में बिलोंग करेगा और अगर ए बी एस में बिलोंग करता है सो बाय बाय इनवर्स लॉ अंडर एडिशन माइनस ए और माइनस बी भी एस में बिलोंग करेगा सो so हमारे पास है ए बी माइनस ए माइनस बी जो कि एस में बिलोंग करता है और हम पहले ही देखें कि अगर दो एलिमेंट एस में बिलोंग करता है तो उसको अगर हम प्लस करें दैट इज़ अंडर एडिशन उसको ऑपरेट करे तो वो एस में बिलोंग करेगा बाय क्लोजर लॉ तो अगर हम ए और माइनस बी को भी ऐसे ऑपरेट करें अंडर एडिशन में दैट इज ए प्लस माइनस बी तो वो भी एस में बिलोंग करेगा क्योंकि एस क्या है एक सब रिंग है दैट इज अ रिंग इट सेल्फ है सो so, रिंग का जितना भी प्रॉपर्टी है वो एस निभाएगा यहाँ पे ठीक है सो बाय क्लोजर लॉ ए प्लस माइनस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस और फिर प्लस माइनस माइनस तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस ठीक है सो so, पहला वाला कंडीशन को यहाँ पे प्रूव कर दिए कि दैट इज अगर हम एस को रिंग माने हैं सब रिंग माने हैं आर का तो हमारा ए माइनस बी एस में बिलोंग कर रहा है जब ए बी बिलोंग्स टू एस ठीक है ना उसके बाद हमको और एक कंडीशन प्रूव करना दैट इज ए बी एस में बिलोंग करेगा तो वो इम्प्लाय क्या करेगा कि ए ऑपरेशन बी दैट इज अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस सो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ना क्योंकि जो एस है वो हमारा एक सब रिंग है हम पहले माने हैं तो बाय क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ए डॉट ए और बी अगर एस में बिलोंग करता है सो ए डॉट बी एस में बिलोंग करेगा बाय क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन देर फोर हम दोनों कंडीशन को प्रूव किए दैट इज अगर ए बी एस में बिलोंग करता है तो ए माइनस बी भी एस में बिलोंग कर रहा है और अगर ए बी एस ए बी जो है वो एस में बिलोंग करता है तो ए डॉट बी भी एस में बिलोंग करता है ठीक है द कंडीशन आर नेसेसरी ठीक है सो नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया उसके बाद हम लोग फॉर सफिशियंट कंडीशन प्रूव करेंगे सो सफिशियंट कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम जो दो कंडीशन हमको यहाँ पे प्रूव करने दिया गया था उसी को बोलेंगे कि ये सही है ठीक है दैट इज लेट अस सपोज फॉर द नॉन एस ऑफ आर द टू कंडीशन दैट इज ए बी बिलोंग्स टू एस एम्प्लाईज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड अगर ए एर बी बिलोंग्स टू एस इट इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस आर ट्रू ठीक है तो हमको प्रूव क्या करना होगा वी नीड टू शो दैट एस बी आर सब रिंग ऑफ आर दैट इज आ रिंग इट सेल्फ ठीक है सो रिंग इट सेल्फ हमको प्रूव करना है सो so, रिंग का जितना भी ऑपरेशन है उसको सेटिस्फाई करना होगा सो so, हम पहले क्या करेंगे कि माइनस बी जो बिलोंग टू S हम यहाँ पे दिखाए हैं कि वो सही है ठीक है इसमें हम a माइनस बी के जगह a माइनस ए करेंगे दैट इज b के जगह पे हम लोग ए को सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज फॉर दिस रिप्लेसिंग b बाई ए इन फर्स्ट कंडीशन वी गेट a माइनस ए जो दैट इज a माइनस बी के जगह a माइनस ए किए तो वो S में बिलोंग करेगा क्योंकि a एस में बिलोंग करता है तो बी के जगह पे अगर हम ए डाले तो भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है सो so, ए माइनस ए क्या होगा जीरो जीरो जो है वो एस में बिलोंग कर रहेगा ठीक है दैट इंप्लाइज जीरो बिलोंग्स टू एस नाउ अगर जीरो एस में बिलोंग करता है ये क्या बोल दैट इज ये क्या बोल रहा है कि एस जो है उसके पास भी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है ठीक है दैट इज एस कंटेन्स द एडिटिव आइडेंटिटी सो आइडेंटिटी लॉ फॉर एडिशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो क्या ठीक है सो आइडेंटिटी लॉ सेटिस्फाई हो गया उसके बाद हम इनवर्स लॉ पे आते हैं ठीक है सो इनवर्स लॉ के लिए हम क्या करेंगे ये जो कंडीशन था ए माइनस बी यहाँ पे अब हम ए को जीरो पुट करेंगे क्योंकि अब हम दिखा चुके हैं कि जीरो जो है वो एस में कंटेन करता है सो so, अब हम ए को जीरो से रिप्लेस करेंगे इन फर्स्ट कंडीशन तो हमको मिलेगा जीरो माइनस बी बिलोंग्स टू एस विच एम्प्लाइज माइनस बी बिलोंग्स टू एस दैट इज अगर हम बी ले फॉर ऑल एस बी बिलोंग्स टू एस माइनस बी बिलोंग्स टू एस मतलब कि एस जो है वो क्या कंटेन्ट करता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच इलिमेंट दैट इज एस कंटेन्स द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच इलिमेंट ऑफ एस सो इन वर्स लॉ इज ऑल्सो सेटिस्फाइड ठीक है नाउ इनवर्स लॉसफाई कर दिए आइडेंटिटी आइडेंटिटिस्फाई कर दिए हमारा रिंग का कंडीशन क्या क्या होता है क्लोजर होता है एसोसिएटिव होता है फिर आइडेंटिटी होता है इनवर्स होता है कम्यूटेटिव होता है अंडर एडिशन तो पहले दो हम प्रूव कर दिए नाउ उसके बाद हमारा क्योंकि एस जो है वो क्या है एक सबसेट है आर का तो क्योंकि आर एक रिंग है तो जो सबसेट है वो भी क्लोजर एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि आर एक रिंग है तो ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसका जो सबसेट है वो भी करेगा है देन एस प्लस बी एन एबिलियन ग्रुप क्योंकि अब वो क्लोजर एसोसिएटिव कम्यूटेटिव और इन आइडेंटिटी और इनवर्स लॉ को फुलफिल करता है तो हमारा एस प्लस क्या हो गया एक एबिलियन ग्रुप हो गया दैट मीन्स अंडर एडिशन ये सारा रिंग का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है उसके बाद हमारा रिंग के लिए क्या होना होता है अंडर एडिशन को सारा कंडीशन को फुलफिल करवा दिए हैं अब हमको मल्टीप्लीकेशन दैट इज अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारा कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है क्लोजर होता है एसोसिएटिव होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वो कंडीशंस को हम लोग को सेटिस्फाई करवाना है Now, क्योंकि जो एस है वो सबसेट है आर का और आर क्या है एक रिंग है रिंग है तो वो अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा सो so, एस भी उसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एस जो है वो आर का सबसेट है

बाइनरी ऑपरेशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज अग इट सेल्फ दैट इज एस को हम एक रिंग दिखा दिए एंड रिंग ऑफ द डिफिनेशन अगर वो है, तो सब रिंग ऑफ आर का भी है. Is, S, अगर रिंग है, और वह सबसेट है आर का जो की एक रिंग था तो बाय डिफिनेशन एस भी जो है वो हमारा सब रिंग हो गया हैं सफिशियंट कंडीशन एंड हैं थियोरम ठीक है सो हम नेरी एंड सफिशियंट कंडीशन प्रूफ कर चुके हैं दैट इज कि अगर ये नेसेसरी में प्रूफ कर दिए क्या प्रूफ किए कि अगर वो सबरिंग है तो ये दोनों कंडीशन को होल्ड करता है और सफ़िशिएंट कंडीशन में क्या हम लोग दिखाएं कि अगर ये दोनों कंडीशन को ट्रू मान रहे हैं तो हमारा जो एस रिंग है एस है सबसेट ऑफ आर का वो एक सबरिंग है आर का ठीक है